जा कभी दिल ना टूटे प्यार में। हाय मामा। निम्रा, तुम्हारे पास कोई है तो नहीं? नहीं, सब खैरियत तो है ना? अभी किन्जी को कॉल करो और अपने रवैये का सॉरी बोलो उसे। मामा, मैंने उसे ऐसा कुछ नहीं कहा है। कुछ तो कहा होगा ना, जो हमसे वो नाराज है। आपसे नाराज नहीं है, वो मुझसे नाराज है। कल भी वो इसीलिए नहीं आई। क्या सोचते होंगे तुम्हारे ससुराल वाले कि तुम्हारे दिल में अपनी बड़ी बहन के लिए ये जगह है कि वो तुम्हारे पास आई और तुमने उसको इंसल्ट करके बाहर भेज दिया। प्लीज मामा, आप मुझे ब्लेम मत दें। जो कुछ किन्जी ने किया है ना, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। जो होना था वो हो गया। अब उसे कॉल करो और कॉल करके सॉरी बोलो। मैं सॉरी क्यों बोलूं उसे? उसने इंसल्ट किए फैजी और नाहिद आंटी की, पहले उसे सॉरी कहना होगा। आप जानबूझकर मेरा फोन नहीं उठा रहे? हाँ, मैं घर आके बात करता हूँ तुमसे। तो फिर मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अच्छा बोलो। हारिस, अगर माँ की बात पे बेटे हाइपर होने लगे तो बेटों के अखलाक की और किरदार की तामीर कभी नहीं हो पाएगी। बहुत ही कमजोर दलील दे रही हो तुम। अगर बेटे माँ की नाजायज बातों को भी चुप कर सुनते रहे तो एक दिन उनके आसाब जवाब दे जाते हैं। लेकिन फिर भी माँ बाप के सामने उफ तक करने की इजाजत नहीं है। और अगर बर्दाश्त खत्म हो जाए तो फिर ये सोच लेना चाहिए कि अल्लाह नाराज होने वाला है। आयशा, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता जब वो तुमसे इस तरह बात करती। मुझसे नहीं देखा जाता यार। जिस दिन आपने बर्दाश्त करना शुरू कर दिया उस दिन उनका ये वहम दम तोड़ देगा कि मैंने आपको उनसे दूर किया है। क्यों, तुम्हारे हक के लिए बोलना मेरा फर्ज नहीं है क्या? कोई भी फर्ज माँ बाप की नाफरमानी करके पूरा होता तो उस फर्ज को अदा करने का सवाब नहीं मिलता। आप मामा को फोन कर लीजिएगा, वो इंतजार कर रही होंगी। क्या बात है, आज मेरी बेटी कमरे में ऐसी बैठी हुई है? बस ऐसे ही आंटी। परेशान लग रही हो। एक बात बताएं, क्या मैंने किन्जी से ज्यादा बदतमीजी की थी? नहीं, लेकिन वो तुमसे बड़ी है, अगर उसने कुछ कह दिया था तो खामोशी से सुन लेती, कोई हर्ज नहीं था। मामा मुझसे कह रही हैं कि मैं किन्जी को सॉरी कहूँ। उन्हें खुद भी सोचना चाहिए कि अगर गलती किन्जी की है तो फिर मैं क्यों सॉरी कहूँ। बेटा, हम बड़े तो यही चाहते हैं ना कि बच्चे आपस में मिलजुल कर रहे, और कभी कभी हम बड़ों की गलती अपने जिम्मे ले लेते हैं। रिश्तों को निभाने के लिए ऐसा करने में कोई हर्ज भी नहीं है। बल्कि ऐसा करो, आज तुम और फैजी किन्जा के घर चले जाओ। तुम लोग जाओगे तो वो खुश हो जाएगी और बदगुमानी भी खत्म हो जाएगी। नहीं आंटी, अगर फैजी वहाँ गए और फिर से किन्जी ने कोई उल्टी सीधी बात कह दी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। कुछ नहीं कहेगी, घर आए मेहमान को इज्जत दी जाती है। आंटी, किन्जी मेरी बहन है, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ कि वो कैसी है। बदगुमान नहीं होते, अगर बदगुमानी दिल में आ जाए ना तो ज्यादा देर तक दिल में नहीं रखते। क्या पहन के जाओगी आज? ब्लू वाला ड्रेस पहन। वो तुम पे अच्छा भी लगता है। के सामने उफ तक करने की इजाजत नहीं है। कोई भी फर्ज माँ बाप की नाफरमानी करके पूरा होता तो उस फर्ज को अदा करने का सवाब नहीं मिलता।
आप मामा को फोन कर लीजिएगा, वो इंतजार कर रही होंगी। ठीक है, फ्राइडे रख लेते हैं। चलो ठीक है, फिर लंच में मुलाकात होती है। ओके बाय। कुलसुम चाय ले आओ। मैसेज कर सकता है लेकिन फोन नहीं कर सकता। अपने रवैये पे नादिम है लेकिन निदामत का इतराफ नहीं कर सकता। मैसेज कर सकते हो, मुझे कॉल नहीं कर सकते? कॉल कर तो ली मम्मा। आई एम रियली सॉरी। किस बात पर? वो मेरे सुबह वाले बिहेवियर पर। मैं माँ हूँ, तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। मम्मा मैंने भी कभी आपको अपना दुश्मन नहीं समझा। तो फिर मेरी बातों को बर्दाश्त क्यों नहीं कर सकते? बीवी का दर्जा माँ से ज्यादा होता है जो बीवी के सामने माँ की इंसल्ट कर दी तुमने? मैंने कभी आपकी इंसल्ट करने के बारे में नहीं सोचा मम्मा। मैंने कब आपकी इंसल्ट की है? बस मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि हर बात का इल्जाम आयशा को दे दिया जाए। जब तुम्हें यकीन आ जाएगा ना इस बात का कि मैं आयशा की दुश्मन नहीं हूँ, तो फिर सारी बातों को बर्दाश्त करना भी सीख जाओगे। मम्मा देखें, आयशा इस घर के हर फर्द से बहुत मोहब्बत करती है, बहुत इज्जत करती है सबकी। आप उसके बारे में तमाम शक तमाम शुबात जहन से निकाल दें। मम्मा वो बहुत अच्छी है, प्लीज आप ऐसा मत सोचा करें। अच्छा, मैं समझ रही थी कि तुम मेरी नाराजगी दूर करने के लिए मुझे फोन कर रहे हो। मुझे तो तुम ये समझाने बैठ गए हो कि तुम्हारी बीवी फरिश्ता है और अगर मैंने उसके खिलाफ ऐसी वैसी कोई बात कर दी तो मेरी आकबत खराब हो जाएगी। मम्मा आप ऐसा क्यों सोचती हैं? आप क्यों करती हैं मुझसे ऐसी बातें? ये तुम्हारे काम का वक्त है, काम पे तवज्जो दो। आप अब भी नाराज हैं मुझसे? मैं माँ हूँ तुम्हारी और माँ के पास नाराजगी का लाख इख्तियार हो, लेकिन वो सिर्फ माफ करने का इख्तियार इस्तेमाल करती है। मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करो। जी, खुदा हाफिज़। बात सुनो, जी मामा। ये जो औलाद का अपनी माँ से रिश्ता होता है ना, इसे लोग कितना भी चाहें तोड़ नहीं सकते। इस रिश्ते में दरारें भी आ जाती हैं, लेकिन माँ अपनी ममता से ना सारी दरारें भर देती है। बेशक, इसीलिए तो माँ का रुतबा तमाम रिश्तों से बुलंद है। हारिस का फोन आया था अभी, अपने सुबह वाले रवैये पे बहुत नादिम था। उन्हें होना भी चाहिए, अभी तो उस पर बहुत सारी निदामतें उधार हैं। एक दिन वो हर उस फैसले पे नादिम होगा जो उसने मेरी मर्जी के खिलाफ किया है। अगर कोई फैसला उनके हक में बेहतर नहीं है तो खुदा करे कि उनके नादिम होने से पहले खुदा उस फैसले को उनके हक में बेहतर कर दे। बहुत बेमुरव्वत है तुम्हारा भाई, कम से कम फोन ही कर लेता, पूछ लेता कि आप लोग क्यों नहीं आए। मुझे तो उसकी कॉल का कोई इंतजार नहीं था और ना ही कोई ख्वाहिश। बहुत बुरी बात है, बहन भाइयों से इस तरह नाराज नहीं हुआ करते। मजर तुम्हारी ये बातें जो है ना, मुझे बहुत इरिटेट कर रही हैं। तुम समझ नहीं रही हो मेरी बात। अरे निमरा आओ आओ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। कैसी हो किंजी? अभी तुम्हारे ही जिक्र हो रहा था, कैसी हो?
और फैजी कहाँ है? बाहर है? मैं लेकर आता हूँ। नहीं नहीं वो नहीं आए। हाँ हाँ वो क्यों आएगा भला? वो तो वहां जाएगा ना जहाँ उसके दिल को सुकून पहुंचेगा और आंखों को तस्कीन। बस कर दो किन्जी, कम से कम इतना सोच लो कि तुम्हारी ज्यादतियां भूलकर मैं यहाँ आई हूँ। निम्रा किन्जी मजाक कर रही है, तुम बैठो बैठो ना। मुझे नहीं लगता कि किन्जी को मेरा यहाँ बैठना पसंद आएगा। अरे रहने दो ना उसे, तुम बैठो बैठ के बात करो। अरे माशाल्लाह निम्रा बेटी आई है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। पता है मैं आज ही किन्जी से सोच रही थी कि कहूँ कि तुम्हें दावत पे बुलाएं। फैजान कहाँ है? फैजी नहीं आए, वो बस मैं ऐसी फ्री थी तो किन्जी से मिलने आ गई। अरे ये तो तुमने बहुत गलत किया, पहली बार हमारे घर आई और वो भी फैजी के बगैर। भाई अब हम उसके रिश्तेदार हैं, उसे कहना कि हमसे शर्म और झिझक कैसी हो। शर्म और झिझक किस बात की होनी है आंटी, वैसे ही उसने हमारी तरफ आना पसंद नहीं किया होगा। नहीं किन्जी शर्म आती है बेटा, भाई आखिर को वो हारिस के ससुराल में काम करने वाली मुलाजमा का बेटा ही तो है ना। कुछ लोग बहुत बेशर्म होते हैं आंटी, उनके लिए अपनी गर्ज और अपनी हवस के सामने किसी और रिश्ते की कोई अहमियत नहीं होती। मैं यहाँ ये सोच कर आई थी कि अगर किन्जी मेरी किसी बात से नाराज है तो मैं उससे माफी मांग लूंगी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये मुझसे इस कदर नफरत करने लगी, वो भी सिर्फ इस बात से कि मैंने इसकी किसी बात को वैल्यू नहीं दी। नहीं बेटा किन्जी क्या बातें लेके बैठ गई हो तुम? निम्रा रुको मेरी बात सुनो। आपने सुना नहीं किन्जी ने क्या कहा? उसके लिए मेरा फैजी से शादी करना सिर्फ खुदगर्जी और हवस है। एक बहन अपनी बहन के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है? तुम गलत समझ रही हो, किन्जी का मकसद कुछ और था। असल में तुम इतनी मासूम हो कि कोई भी तुम्हें इस्तेमाल कर लेता है और तुम्हें खबर ही नहीं होती। किन्जी तुम्हारी खुदगर्जी और हवस की बात नहीं कर रही थी। तो फिर उसकी इस बात का क्या मकसद है? तुम ये सब छोड़ो, किन्जी को दुख ये है कि उसने तुम्हें समझाने की कोशिश की फिर भी तुमने फैजी पे एतबार कर लिया जबकि वो इस काबिल है ही नहीं। मजर भाई मुझे फख्र है कि मैंने फैजी जैसे मोहब्बत करने वाले इंसान से शादी की। आप भी सुन लें और किन्जी को भी समझा दें, अगर किसी ने फैजी की इज्जत ना की तो वो मुझसे भी किसी इज्जत या रिश्तेदारी निभाने की उम्मीद ना रखे। एक बात ठीक कही तुमने निम्रा, फैजी जैसा प्यार करने वाला इंसान तुम्हारा लाइफ पार्टनर बना, लेकिन ये बात काबिले फखर नहीं काबिले शर्म है। फैजी तुमसे मोहब्बत नहीं करता बल्कि तुम्हारी आंखों पे तो वो अपनी छूटी मोहब्बत की पट्टी बांधकर किसी और से मोहब्बत निभा रहा है। निम्रा के सामने तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। मैं ये बेहयाई वाले तमाशे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मजबूरी है तुम्हारी, तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। जो राज हम जानते हैं उस पे निम्रा और हारिस कभी भी यकीन नहीं करेंगे जब तक कि फैजी और आयशा की हकीकत उनकी आंखों के सामने नहीं आ जाती। मैं बताऊंगी इनकी असलियत का। मैं आयशा और फैजी को दूसरों की नजरों में धूल नहीं झोंकने दूंगी। कंट्रोल करो अपने आप को, उनकी हकीकत खुदा सही वक्त पे सबके सामने खुद ही ले आएगा। एक बात ठीक कही तुमने निम्रा, फैजी जैसा प्यार करने वाला इंसान तुम्हारा लाइफ पार्टनर बना, लेकिन ये बात काबिले फखर नहीं काबिले शर्म है। फैजी तुमसे मोहब्बत नहीं करता बल्कि तुम्हारी आंखों पे तो वो अपनी छूटी मोहब्बत की पट्टी बांधकर किसी और से मोहब्बत निभा रहा है। अरे बेटा तुम तो किन्जा की तरफ गई थी ना, क्या हुआ आ गई? नहीं आंटी मैं गई नहीं,
और रास्ते से वापस आ गई। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा अकेले जाना मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। शाम को तुम फैजी के साथ चली जाना। कोई बात नहीं, मैं किन्जी को फोन कर लूंगी। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। क्या बात है बेटा, कोई परेशानी है तो बता दो। परेशानी तो वाकई है आंटी, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि आपसे शेयर करूं या फैज से। तुम जिससे चाहो शेयर कर सकती हो, तुम्हारी मर्जी। आंटी फैजी बहुत अच्छे हैं, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। आपको पता है उनसे जो कहती हूँ वो मान जाते हैं। कभी कभी तो बहुत हैरत होती है कि कोई इंसान इतना भी अच्छा हो सकता है क्या। तुम बीवी हो उसकी, जिंदगी भर का साथ है, एक दूसरे की नहीं मानोगे तो जिंदगी खुशगवार कैसे गुजरेगी। आंटी आपसे एक बात पूछूं, आंटी क्या मुझसे पहले फैजी की जिंदगी में कोई थी। मैं उन पर शक नहीं कर रही आंटी, बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। फैजी ने तुमसे कुछ कहा है बेटा? बेटा अगर अपना घर बसाना है ना तो शक को अपने दिल में जगह मत देना। जी आंटी मुझे अंदाजा है, सॉरी मैंने आपको ऐसे ही परेशान कर दिया। कोई बात। आंटी मैं कल रात की फ्लाइट से पापा के पास जा रही हूँ। कितने दिनों के लिए जा रही हो बेटा? परमानेंटली, नेक्स्ट मंथ की डेट फिक्स कर दिया पापा ने। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे रोकूं। मैं नहीं चाहती कि तुम जाओ बेटा। मुझे दुआ दें आप, क्योंकि मेरा जाना अब फाइनल है। तुम फहीम के साथ खुश रह लोगी? जिंदगी गुजारने के लिए जिंदा रहना जरूरी होता है, खुश रहना जरूरी नहीं। लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम खुश रहो। तो बोले हारिस से कि मुझे रोक ले, क्योंकि हारिस के बगैर तो मैं अपनी जिंदगी में खुश रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। तुम मुझे थोड़ा सा वक्त दो बेटा, शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। पापा मुझे वक्त नहीं दे रहे, मुझे अब ये कड़वा घूंट पीना ही पड़ेगा। तुमने हारिस को बताया? मेरी हिम्मत नहीं हुई, हारिस को मेरे आंसू इरिटेट करते। अगर ऐसा होता तो तुम्हारी आंसू की वजह क्यों बनता? जब वो मेरे साथ होता है मुझे इस बात का यकीन होने लगता है कि हारिस मेरे लिए ही बना, मगर न जाने किसकी नजर लग गई मेरी मोहब्बत को, से दूर हो गया। ठीक कह रही हो बेटा, वो समझता है कि उसकी मंजिल तुम नहीं आयशा है, बार बार तुमसे बहाने से मिलता है, तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता है, लेकिन इस बात का एतराफ नहीं कर रहा कि वो तुम्हारे साथ जिंदगी भी गुजारना चाहता है। आयशा की मोहब्बत से रिहा होना उसके लिए उतना ही मुश्किल है जितना मेरा हारिस की मोहब्बत से रिहा होना। मुझे सारी जिंदगी इस बात का अफसोस रहेगा आयला कि उसने तुम्हारी मोहब्बत की कदर नहीं की। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आपने कम से कम मेरी मोहब्बत की शिद्दत पर हमेशा यकीन किया, और हारिस ने मुझे एक दोस्त की तरह अपनी जिंदगी में रहने दिया। हारिस का यह एहसान मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी।
तुम्हारे से मिलकर जरूर जाना। अगर तुम उससे बगैर मिले चली जाओगी ना तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। कोशिश करूंगी। ठीक कह रही हो बेटा, वो समझता है कि उसकी मंजिल तुम नहीं आयशा है। बार बार तुमसे बहाने से मिलता है, तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता है, लेकिन इस बात का एतराफ़ नहीं कर रहा कि वो तुम्हारे साथ ज़िंदगी भी गुजारना चाहता है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फैजी, तुम घर कब आओगे? जी आप फिक्र मत करें, मैं टाइम से आ जाऊंगा। मैं चाह रही थी कि तुम निमरा को कहीं आउटिंग पे बाहर ले जाओ, वो बोर हो रही है, बस जल्दी से आ जाओ। दाफिस। तुम मुझसे मिलने नहीं आई तो मैंने सोचा कि मैं खुद तुमसे मिल लूं। मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ मुझसे मिलने आती हो। वैसे तुम्हारा मेरा ताल्लुक तो ऐसा ही है कि मुझे तुमसे मिलने की ख्वाहिश नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं आज तुमसे मिले बगैर नहीं जाती। क्यों, आज क्या खास बात है? आज मैं तुम्हें तुम्हारा हारिस हमेशा हमेशा के लिए लौटा रही हूँ और अपने पापा के पास जा रही हूँ। एंड यस, आई एम गेटिंग मैरिड। मुबारक हो तुम्हें आयला। ऐसी शादियां मुबारक नहीं होती, सारी जिंदगी के लिए बोझ होती है। खुदा से दुआ करती हूँ कि वो तुम्हारी हर मुश्किल आसान करे। लेकिन जो मुश्किलें तुमने मुझे दी हैं वो तो आज तक आसान नहीं हो सकी। आयला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए मुश्किलें पैदा की हैं? जब मैं हारिस की जिंदगी में नहीं थी तब भी हारिस तुम्हारा नहीं था। चलो आज मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ। हारिस तुम्हारे साथ होते हुए भी मेरा। काश तुम उसे उस वक्त देखो जब वो मेरे साथ होता है। उसकी आंखों से, उसकी बातों से, उसके लहजे से जो मोहब्बत झलकती है वो उसकी गैर मौजूदगी में भी मेरे साथ होती है। अगर इस बात से तुम्हारा दिल बहल जाता है तो मेरी किसी भी दलील का तुम पे असर नहीं होगा। जिंदगी में कभी मोहब्बत गवा देने का दर्द महसूस करो तो ये जरूर याद कर लेना कि यही दर्द तुमने भी किसी को दिया है। तुम गलत कह रही हो आयला, हारिस तुमसे मोहब्बत नहीं करते। अगर वो तुमसे मोहब्बत करते तो खुदा उनको मेरे नसीब में नहीं लगता। अगर तुम्हारा यकीन इस बात पे है कि खुदा ने तुम्हें हारिस के नसीब में लिखा था तो इस बात पे भी यकीन जरूर होगा कि खुदा नसीब बदलने में देर नहीं लगा था। टूटे हुए दिलों की सदा जरूर सुनता है और टूटे हुए दिल की वजह बनने वालों के लिए भी उसके कुछ साबते हैं। मम्मी। वालेकुम सलाम। देख ले मैं आ गया आपके हुक्म के मुताबिक। हाँ लेकिन उसके सामने मत कहना। क्या हुआ? कुछ नहीं, अभी तुम्हारी शादी को हफ्ता भर भी नहीं हुआ है, ज्यादा से ज्यादा टाइम दिया करो उसे। आपको इतना खौफ किस बात का है? उसके जहन में सवाल उठने लगे
और सवाल तभी उठते हैं जब कोई गुंजाइश छोड़ी जाती है। कैसे सवाल? तुम उससे भरपूर मोहब्बत किया करो ताकि वो कुछ और ना सोचे। आपको लगता है कि मैं कोई कमी कर रहा हूँ? ना चाहते हुए भी तो रिश्ता निभा रहा हूँ। निम्रा बहुत अच्छी लड़की है बेटा, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन वो एक औरत है। मर्द के दिल में किसी और औरत की मोहब्बत को भांप सकती है। उसे शक हो गया क्या? जिस दिन उसे शक हो गया तो मेरा सारा मान तुम पे से टूट जाएगा। औरत मोहब्बत टूट कर करती है, और जब उसकी मोहब्बत को चोट लगती है ना तो वो टूट जाती है। उसे टूटने मत देना। आपको लगता है कि मैं कोई कमी कर रहा हूं? ना चाहते हुए भी तो रिश्ता निभा रहा हूं। हो गई तैयार? चले। मेरा मूड नहीं है, फिर किसी दिन चलें? ये क्या बात हुई? फोन पर तो कह रही थी तुम चलते, मैं तो बहुत प्लानिंग करके आया था। क्या प्लानिंग्स किया आपने? मैंने सोचा था कि कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, कहीं अच्छी जगह डिनर करेंगे, और तुम्हारा मूड हुआ तो कोई अच्छी सी मूवी भी देखेंगे। ना तो आप लॉन्ग ड्राइव्स के शौकीन हैं, ना ही आपको होटलिंग पसंद है, और ना ही आप मूवीज देखते हैं, तो फिर ये सब क्यों? तुम्हारे लिए। मुझे शौक ना सही, तुम्हें तो इन सब चीजों को शौक है ना। मेरी खुशी के खातिर आप वो सब बर्दाश्त कर लेंगे जो आपको पसंद नहीं है, सिर्फ इसीलिए कि मैं खुश रहूं? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? सॉरी फैजी। पर ऐसा क्यों कहा तुमने? गलत तो नहीं कहा ना? आपके साथ ने मुझे इतनी खुशी दी कि मैं ये तो देखना भूल ही गई कि आपके चेहरे पे खुशी के तासुर है भी या नहीं। मैं खुश हूँ। सिर्फ नजर आते हैं, है नहीं। अनचाही मोहब्बत कभी भी सच्ची खुशी नहीं दे सकती। खुद को इतना मत उलझाओ। उलझा नहीं रही, आपकी उलझन का अंदाजा लगा रही हूँ। मेरी खुशी के लिए आप इतना उलझ गए कि मैं चाहकर भी सुलझा नहीं सकती। कुछ सुलझाने की कोशिश भी मत करो, जितना सुलझाओगी उतना उलझ जाओगी। काश आपने मुझे खुद पर हर इख्तियार दिया होता। मैंने तुम्हें पूरा इख्तियार दिया निम्रा। नहीं फैजी, एक बार मैंने आपसे पूछा था कि आपकी जिंदगी में कोई है तो नहीं, और आपने मुझे उसे जानने से रोक दिया था। ये इख्तियार मैं तुम्हें आइंदा भी नहीं दूंगा निम्रा, बल्कि मेरी ख्वाहिश है कि आइंदा मैं इस बारे में कोई बात ना करें। मेरी जिंदगी में पहले कोई भी रहा, तुम्हारे लिए अहम नहीं है कि अब मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा हूं। मैं तो आपकी मकरूज हूं फैजी, क्या आपने मुझे इस काबिल समझा? इंसान अपनी मोहब्बत को भी पाकर सर नदामत से झुका ले तो ये मोहब्बत की बेकदरी है। नहीं फैजी, मेरा सर जब भी आपके सामने झुकेगा तो इसी एहसान मंदी से झुकेगा कि आपने मुझे कभी मायूस नहीं होने दिया। तो चले फिर। चले।
हेलो हारिस, तुम्हारी आयला से बात हुई? जी कल बात हुई थी, शी इज फाइन नाउ। क्यों? इसका मतलब है कि उसने तुम्हें बताया नहीं। बहुत ही पागल लड़की है, मैंने उससे कहा भी था कि तुम्हें बता दे। क्या नहीं बताया? वो कल रात की फ्लाइट से जा रही है, उसके पापा ने उसकी शादी फाइनल कर दी है। रियली? ये तो बहुत खुशी की खबर है, उसे मुझे बताना चाहिए था। उसके लिए खुशी की बात नहीं है, और किस उम्मीद पे बताए वो तुम्हें? कौन सा तुम उसको रोक लोगे? मम्मा, मैं और आयला सिर्फ दोस्त हैं। काश इसी रिश्ते को तुम अच्छी तरह से निभा लेते हारिस। अरे मैं उसका इतना ख्याल रखता हूँ, और क्या करूँ? उसको कोई गिफ्ट किया है तुमने शादी के लिए? नहीं मम्मा, क्योंकि उसने मुझे बताया नहीं इस बारे में। मैं तो बता रही हूँ ना, अब अच्छा सा कोई गिफ्ट लेकर उसे दो। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज़। हेलो। सुना है कुछ लोग बड़ी खामोशी से फरार होने वाले थे। जो उम्र भर की कैद में हो वो भला कैसे फरार हो सकते? शर्म करो आयला, मुझे मम्मा ने बताया कि तुम जा रही हो यार। बस ऐसे समझो कि तुम्हें बताने का हौसला नहीं पड़ा। समी को बताया तुमने? मैंने सोचा था कि कल जाते हुए इसे बता दूंगी। आयला हम सब दोस्त हैं यार, अगर तुम इस तरह बताओगी तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं आ रहा हूँ तुम्हारी तरफ। अभी? हाँ अभी, क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं अभी नहीं, अभी तो एक्चुअली मैं ऑलरेडी बाहर हूँ। अच्छा एक रिक्वेस्ट करूँ, मानोगे? हाँ बोलो। आज रात खाना मेरे साथ खा लो, एक आखिरी बार तुम्हें जी भर के देखना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन खाना मेरी तरफ से होगा। नहीं नहीं, खाना मेरे घर पे खाते, मेरी तरफ से, प्लीज इनकार मत करना। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगा, मैं समी को साथ देता हुआ आऊंगा। समी को? नहीं नहीं हारिस प्लीज, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, किसी को साथ मत लाना। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ फिर। बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम गए नहीं आयला की तरफ? नहीं, मेरी फोन पे बात हो गई थी, उसने आज रात डिनर पर इनवाइट किया मुझे। अच्छा है, जरूर जाना, उसे बहुत अच्छा लगेगा, हौसले से जा सकेगी। हौसले से जा सकेगी? जंग के माज पे थोड़ी जा रही है वो। अपनी मोहब्बत को किसी और को सौंप कर अपना रास्ता जुदा करना किसी महाज से कम नहीं है। नहीं मम्मा, इंसान अगर रियलिटीज को एक्सेप्ट कर लेना तो फिर हौसला खुद ही मिल जाता है। कोशिश करना कि आयशा से पूछे बगैर उसकी तरफ चले जाओ, अगर वो मना कर देगी तो तुम जा नहीं सकोगे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे कप चाय मिल जाएगी? हाँ हाँ मैं बना के लाती हूँ, आप फ्रेश होके आइए। हारिस कितनी बार कहा है चीजें ऐसे बस यहीं वहीं डाल देते हैं। लाए होंगे शायद, बाद में देंगे।
सुनो। जी मामा। मेरी तो हसरत ही रह गई कि तुम्हें खुद से कभी अंदाजा हो जाए कि इस घर में कितनी परेशानियां हैं। क्या हुआ मामा? तुम्हें अंदाजा भी है कि किंजी कितनी परेशान है? क्या हुआ उसे? परेशानी का इल्म मुझे होता तो उसकी परेशानी पता नहीं कब से दूर हो चुकी होती, लेकिन मुझे मुझे ऐसा फील होता है कि तुम्हें मजहर का यहाँ आना इरिटेट करता है। मुझे बिलावज उनका आना इरिटेट नहीं करता, उनकी हरकतें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। आयशा, कुछ ना चाहते हुए भी बर्दाश्त करना पड़ता है, जैसे मैं हारिस की खातिर तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ, तो तुम भी हारिस के रिश्तेदारों को मेरी खातिर बर्दाश्त कर। हारिस ने चाय का खाया, इंतजार कर। सुनो, किंजी को फोन करो और उन दोनों को यहाँ आने का कहो, फिर उसे यकीन आएगा कि उन लोगों के यहाँ आने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये उनके माँ बाप का घर है, मुझे नहीं लगता कि मेरी किसी भी किस्म की यकीन दहानी की उनको जरूरत है। अगर तुम उन्हें कॉल कर लोगी तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? मैं कॉल करने से इनकार नहीं कर रही, लेकिन मैंने किंजी को ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जिसकी वजह से वो यहाँ आना छोड़ दे। इस बात का तो तुम मेरे सामने खुद एतराफ कर चुकी हो कि मजहर का यहाँ आना तुम्हें बर्दाश्त नहीं है। अगर किंजी को इस बात का मालूम है तो वो बुरा नहीं मानेगी। ठीक है, मैं फारिग हो जाती हूँ तो फिर कॉल करती हूँ। कर लेना।